अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड यू आर लिसनिंग टू आवर लेक्चर्स ऑन डेली बेसिस। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। सब्जेक्ट मैथ, क्लास 5, एक्सरसाइज 1B, लेक्चर नंबर 5, पेज नंबर 7, टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। पेज नंबर 7 बच्चों जल्दी से ओपन कर लें। 1B एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी और इसके हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स तक हमने इसे कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। पेज नंबर भी 7 है और क्वेश्चन नंबर भी 7। पेज नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लें, लेड पेंसिल अपने पास रख लें, ठीक है, नोटबुक भी ओपन कर लें और हेडिंग को गौर से पढ़ें। सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर्स, ये जो नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं बुक पे, इनको हमने करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना कहते हैं माइनस करना, यानी कि तफरीक करना, ठीक है, एक चीज़ में से दूसरी चीज़ को निकालना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करोगे अपनी बुक पे। बुक पे जो आप लोग करोगे आपका क्लास वर्क बन जाएगा और आप नोटबुक पे करोगे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर ए देखें। ये है हमारा फर्स्ट नंबर। अब जो हमारा सेकंड नंबर है उसमें हमारे पास डिजिट्स हैं 6। इसमें हमारे पास 7 थे, अगले में 6 हैं, अगले में हमारे पास 6 हैं, ये 7 थे। देखें ज़रा, अब हम ये वाला डिजिट जो है ये खाली छोड़ देंगे क्योंकि ये इस साइड से हमने तरतीब इक्वल करनी होती है। अब हम लिखने स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्योंकि एक ही हिस्सा हमारे पास कम है। पहले आप डिजिट्स को काउंट कर लिया करो, फिर सही तरीके से लिखा जाता है। जी, ये हमारी अमाउंट है और हमने करना क्या है सब्ट्रैक्ट। बुक पे बॉक्स बने हुए हैं, आपने इस बॉक्स में साथ साथ आंसर राइट करते जाना है, तो ये आपका क्लास वर्क बनता जाएगा। जी, तो बच्चों हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को हम माइनस करते हैं। छोटी क्लासेस में तो हमने लाइंस लगा के किया था, लेकिन आप लोग 5 क्लास में हो, आप लोग फिंगर्स पे काउंट करते हैं, ठीक है, आप लोग ईजीली कर सकते हैं इन्हें सॉल्व। तो अब हम आंसर राइट करते हैं। देखें, 3 में से 3 माइनस करेंगे, 3 में से 3 ही जब हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0। 5 में से 4 माइनस करेंगे, इसका इजी तरीका ये होता है जो नीचे वाला हमारा डिजिट होता है उसके आगे से काउंटिंग स्टार्ट किया करें, जो ऊपर वाला डिजिट होता है वहाँ पे जाके एंड कर दिया करें। जैसे 4 है, 4 के आगे हमारे पास क्या आएगा? 5। ऊपर भी 5 है तो हमने एंड कर दिया तो हमारे पास 1 इधर आंसर आ जाएगा। अब है 9 माइनस 3। 3 से आगे मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगी, 9 पे एंड कर दूंगी। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो ये हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। 6 माइनस 5, 6 में से 5 माइनस करूंगी तो 1 बच जाएगा। 9 माइनस 0, 0 हमारा ऐसा डिजिट है जिसे हम किसी भी डिजिट के डिजिट में प्लस करें या माइनस करें हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारा वो सेम डिजिट एज इट राइट किया जाता है। तो 9 का आ जाएगा 9, क्योंकि 0 की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ये दूसरे डिजिट्स के साथ मिलकर वैल्यूएबल बनती है। अब है 4 माइनस 2। अब मैं 2 से आगे काउंट करूँगी 4 तक। देखें, 2 के बाद 3 एंड 4, तो 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास और ये 1 एज इट ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 के नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है माइनस करने को। तो ये है हमारा आंसर, इसे आप लोग अपनी बुक पे एज इट इसी तरह से राइट कर दें, ये आपका क्लास वर्क बन जाएगा। ए वाला जूस मैंने खुद सॉल्व कर दिया है, बी से लेकर आई तक आप लोग खुद करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन है बहुत इजी है, हम हर क्लास में तकरीबन पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस कैसे की जाती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, नेक्स्ट पेज नंबर है 8। हेडिंग देखें, सॉल्व दीज सम्स यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ करते हुए हमने इन नंबर्स को सम करना है, यानी इनको जमा करना है, यही है हमारी एडिशन। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, 2 स्टेटमेंट्स हैं ए एंड बी। ए वाली देखें सबसे पहले, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर।
उन्होंने कहा है फ़र्क मालूम करें ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को माइनस करके। हमने बताना है कि हमारे पास आंसर कितना आएगा। सबसे पहले हम ले लेंगे 8 डिजिट नंबर जो कि ग्रेटेस्ट हैं, और उसके बाद ले लेंगे 5 डिजिट वो भी ग्रेटेस्ट हैं। पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये नंबर्स राइट करने सिखाए थे कि जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो 1 के साथ हमने जीरोस लगा के उतने डिजिट बनाने होते हैं, और जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास होते हैं उसमें 9 का जो हिस्सा है वो इस्तेमाल किया जाता है, और जितने टाइम्स कहा गया हो उतने टाइम्स हमने राइट कर देना होता है। ये पिछले लेक्चर में मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब मैं नंबर्स राइट करूँगी, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यानी कि 9 को मैं राइट करूँगी कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जगह कम है हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। और हमें कहा गया है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हमने लिखना है, यानी कि 3 का पेयर इधर हो फिर 3 का हो 6 बन जाएंगे, फिर 3 का हो तो वो हमारे पास 9 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास 8 डिजिट हैं, तो स्टार्ट में हमारे पास 2 डिजिट इकट्ठे लिखे जाएंगे। देखिए 9 एंड 9, ये हमारी मिलियन वाली लाइन लिखी गई, ये हमारी 1000 वाली लाइन हो गई, और ये हमारी 100 वाली लाइन हो गई। ठीक है बच्चे, ऐसे लिखा जाएगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा बन चुका है 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम लिखेंगे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब 5 डिजिट हैं तो इधर से हम तरतीब को देख लेंगे, 3 ये और 2 ये, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हमेशा हमने ये साइड बराबर रखनी होती है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से हमने जो स्पेस है वो खाली छोड़नी होती है। अब 5 डिजिट हैं तो 5 डिजिट हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये भी ग्रेटेस्ट नंबर है इसलिए 9 9 राइट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लिखा गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, डिफरेंस। मैथ में आपको डिफरेंस का मतलब पता है, माइनस करना होता है। हमने आज का हमारा टॉपिक है अभी माइनस का ही, अब मैं इसको करूंगी माइनस। इस तरह से आपने अपने होमवर्क में करना है क्योंकि बुक पे सिर्फ स्टेटमेंट दी गई है। अब इसको करते हैं माइनस। सेम जब हमारे पास अमाउंट्स होती हैं उसमें से ऊपर वाली अमाउंट भी सेम हो नीचे वाली भी सेम हो तो जब माइनस किया जाता है तो हमारे पास जीरो बच जाता है। ठीक है, तो 9 में से 9 माइनस करेंगे जीरो, फिर 9 में से 9 माइनस करेंगे जीरो, 9 में से 9 माइनस करेंगे जीरो, ये भी ऐसे ही जीरो जीरो। अब इधर वाली अमाउंट्स हमारे पास नहीं है तो ये 9 एज इट ऐसे ही राइट किया जाएगा, और ये वाला 9 भी जो मिलियन वाला था हमारा 99 वो भी इसी तरह राइट किया जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, फर्स्ट जूस का। सेकंड जूस आप खुद करेंगे, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। कहा क्या गया है, फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, छोटे 8 हिंसों वाले नंबर में से, जिसके साथ माइनस में हमेशा जिसके साथ हमारे पास फ्रॉम लिखा हुआ होता है वो अमाउंट हमने ऊपर लिखनी होती है, दूसरी अमाउंट हमेशा नीचे लिखनी होती है। तो फ्रॉम हमारा जो है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर के साथ है, यानी छोटे 8 हिंसों वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट माइनस करें दी ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 हिंसों वाले बड़े नंबर को। ठीक है, ऊपर आपने लिखना है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, यानी 1 लगाकर 7 उसके साथ 0 लगा देंगे तो वो हमारा 8 डिजिट नंबर बन जाएगा छोटा। उसके बाद ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी आपने 6 टाइम्स 9 को राइट कर देना है तो वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा 6 डिजिट वाला। ठीक है, और उन दोनों को आपने कर देना है माइनस। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स का हमें पता है, बुक पे जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास वो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको हमने वर्टिकल लिखना है। देखें हॉरिजॉन्टल फॉर्म हमारे पास ये होती है इस तरह से, ठीक है, और वर्टिकल फॉर्म होती है ये नीचे को। तो जो क्वेश्चन है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन है, इनको हमने वर्टिकल राइट करना है, यानी फर्स्ट अमाउंट ऊपर सेकंड अमाउंट नीचे, एंड देन हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं, राइट दी नंबर विच इज़, नीचे स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है ए बी सी एंड डी, उनको हमने पढ़ के सॉल्व आउट करना है। हाँ जी, सबसे पहले है 2000 लेस देन दिस अमाउंट, हमारे पास 2 अमाउंट्स गिवन है, 2000 को हमने लेस करना है इस नंबर से। हमारे पास गिवन है 49,840,328,
इंटरनेशनल नंबर्स हमारे चल रहे हैं, इसलिए ये आपको पढ़ने आ गए होंगे। फर्स्ट लेक्चर में ही हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा था। तो आपने हमेशा माइनस करते हुए बड़ी अमाउंट ऊपर रखनी होती है, छोटी अमाउंट नीचे रखनी होती है, और हमने उन दोनों को माइनस कर देना होता है। तो ये उम्मीद है चारों जूज आप लोग सॉल्व कर लेंगे अपने होमवर्क पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। स्टडी द टेबल केयरफुली, इस टेबल को अच्छे तरीके से स्टडी करें। देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर दें। हमारे पास देखें पॉपुलेशन दिखाई हुई है पाकिस्तान के कुछ बड़े सिटीज़ की। ये देखें, ये हमारे पास टेबल है, ये मैं पढ़ाने लगी हूँ, इसको गौर से देखें। पहले इसकी हेडिंग देखें, पॉपुलेशन ऑफ मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो कुछ बड़े सिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द 2017 सेंसस, 2017 के अकॉर्डिंग, 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई थी उसमें कुछ ये आबादी लिखी हुई है कि कराची में ये थी, लाहौर में ये थी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर एंड कोयटा, इनकी पॉपुलेशन हमें दी हुई है 2017 की मर्दमशुमारी की, ठीक है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमने उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, हाउ मैनी मोर पीपल लीव इन कराची देन इन रावलपिंडी। देखिए सबसे पहले आप अपनी लेड पेंसिल उठाएं, ठीक है। हमें दिया गया है कराची, कराची पे टिक लगा लें, कराची को ढूंढ लें। सबसे ऊपर अमाउंट कराची की है जिसकी पॉपुलेशन है 14,910,352, ठीक है। हमने कराची को जो है ढूंढ लिया है, टिक लगा लिया कि ये कराची की पॉपुलेशन है। और रावलपिंडी की भी ढूंढ लेंगे, ये वाली है रावलपिंडी की, 1, 2, 3 एंड 4 नंबर पे है रावलपिंडी की। इन दोनों पे लगा लें पहले टिक, इजी रहेगा। अब हमसे पूछा गया है, देखें कराची की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है और रावलपिंडी की जो है वो कम है। हमसे ये पूछा है कि जो रावलपिंडी की पॉपुलेशन है वो कितनी कम है कराची से, ठीक है। कराची की नस्बत रावलपिंडी की पॉपुलेशन कितनी कम है, तो इनका डिफरेंस बताना है हमने। तो डिफरेंस बताने के लिए हमेशा हमने माइनस करना होता है, आपने इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करके डिफरेंस बता देना है। बी वाले पे आ जाएं, आफ्टर फैसलाबाद, फैसलाबाद के बाद, फैसलाबाद के बाद वाले सिटीज़ हमने देखने हैं। फैसलाबाद के बाद है रावलपिंडी, पिशावर एंड कोयटा। बी वाले पार्ट में हमने इन तीन सिटीज़ को देखना है, किस किस को, रावलपिंडी को, पिशावर को एंड कोयटा को। नेक्स्ट देखें इसी स्टेटमेंट को, विच सिटी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल कौन से हैं। देखें रावलपिंडी को देखें, 2 मिलियन वाली लाइन है, पिशावर को देखें 1 मिलियन वाली है, और कोयटा भी 1 मिलियन। यानी रावलपिंडी वाली जो हमारे पास लाइन है ये है हमारे पास मोस्ट नंबर में, यानी ज़्यादा नंबर्स में, ठीक है। हमारा फर्स्ट आंसर तो आ जाएगा कि रावलपिंडी, सबसे ज़्यादा इन तीनों में से रावलपिंडी के लोग हैं। उसके बाद देखें इसी के साथ नेक्स्ट जूज है इसका, हाउ मैनी पीपल आल टूगेदर लीव इन दिस सिटी एंड फैसलाबाद। अब ये जो हमने ढूंढा है कि किस में ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि रावलपिंडी, इस सिटी के मेंबर्स हमने लेने हैं रावलपिंडी के, और इसके साथ हमें कहा गया है फैसलाबाद को लेना है, और आल टूगेदर दोनों को इकट्ठा करके हमने बताना है। मैथ में इकट्ठा हम कैसे करते हैं, जमा करके। आपने फैसलाबाद की और रावलपिंडी की दोनों की अमाउंट्स को प्लस करके आंसर बता देना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद सी वाला जूस देखें, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर एंड रावलपिंडी। लाहौर की और रावलपिंडी की टोटल पॉपुलेशन हमने बतानी है, टोटल पॉपुलेशन और ऑल टुगेदर, ये हमारा इसमें हम करते हैं प्लस, ठीक है। टोटल करना है यानी इकट्ठा करना है सबको, तो टोटल बताने के लिए लाहौर को और रावलपिंडी की दोनों अमाउंट्स को आपने लेकर प्लस करके आंसर निकाल देना है। डी वाले जूस पे आ जाएं, विच सिटी हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये जो हमारे पास टेबल है इसमें से लीस्ट का मतलब होता है कम, कम नंबर्स वाला सिटी हमने बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास मिलियन वाली लाइंस होती हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर्स हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग वाले देखें, कराची में 14 मिलियन था, लाहौर में 11 मिलियन था, फैसलाबाद 3 मिलियन थी। बिल्कुल तरतीब से ही हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दिया गया है, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा अमाउंट वाले हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसी तरह नीचे को लिखा गया है तरतीब से। तो पिशावर जो है वो भी हमारे पास 1 मिलियन में है, और कोयटा भी 1 मिलियन में है। जब हमारे पास 1 मिलियन सेम आ गया, फर्स्ट अमाउंट हमारे पास सेम आ जाए, उसके बाद हमने 1000 वाली जो होती है अमाउंट, इसको कंपेयर करना होता है। जब एक जैसी अमाउंट आ जाएँ तो हमें पता नहीं चलता कौन सी छोटी है।
मिलियन हमारे सेम थे, अब हम थाउजेंड वाले पे आ जाएंगे, ठीक है, 970,000 एंड ये है जस्ट 1,000, तो इसमें से छोटी ये है 1,000 वाली, यानी क्वेटा वाली लिस्ट नंबर जो है वो क्वेटा की हैं। फर्स्ट आंसर हमारा बन जाएगा क्वेटा। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बिटवीन दिस सिटी एंड फैसलाबाद। दिस सिटी का मतलब है यही क्वेटा जिससे हमने फाइंड अभी किया है, क्वेटा को लेना है एंड फैसलाबाद को लेना है, और इन दोनों का हमने डिफरेंस बताना है, यानी दोनों को माइनस करना है, दोनों की अमाउंट्स को लेकर आपने माइनस करके आंसर निकाल देना है। ई वाले जूस पे आ जाएं, लास्ट वाले पे। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ पिशावर इज़ एडिड टू डैट ऑफ क्वेटा, अगर पिशावर की पॉपुलेशन को जमा किया जाए क्वेटा की पॉपुलेशन में, हाउ मैनी पीपल्स आर देयर आल टूगेदर, तो ये इकट्ठे होने के बाद कितने लोग बनेंगे हमारे पास। तो ये भी हमारा जमा का सवाल है, आल टुगेदर इकट्ठा करने के बारे में कहा गया है। मैथ में हम इकट्ठी चीज़ें कैसे करते हैं, जमा करके, ठीक है। आपने क्वेटा को हमारे पास गिवन है, पिशावर एंड क्वेटा, पिशावर को और क्वेटा की दोनों की अमाउंट्स को लेकर आपने जमा कर देना है और हमारा आंसर निकल आएगा। ये था बच्चों आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी हमारा टॉपिक था सब्ट्रैक्शन का, जो हम पिछली क्लासेस में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हमें अच्छे तरीके से आती है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो, तो आपने स्कूल के नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ लेना है, ठीक है, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूँगी। इसी के साथ आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये होमवर्क आपने राइट कर लेना है, और होमवर्क राइट करके पिक बनाकर स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।